नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फर तो आप सब देख ही रहे हैं, काफ़ी हिट वेब सीरीज़ है और इसका मुकाबला करने के आर्ट बालाजी एक वेब सीरीज़ लेकर आ रहे हैं अपहरण। डायलॉग्स जो हैं वरुण मदोला के हैं और जो स्टोरी है सिद्धार्थ सेन गुप्ता बालिका वधू आप देख ही चुके हैं, उनका एक सुपरहिट सीरियल। तो आइए, उसकी पूरी स्टारकास्ट मेरे साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत माही गिल हमारे साथ हैं, वरुण मदोला जी हैं एक्टर वरुण और निधि सिंह, चारों हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करेंगे माही से। माही, कैसे ये वेब सीरीज़ जो है इसको लेकर क्या नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये एक तो 70s का मसाला है और ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है, स्टोरी है जिसमें मिस्ट्री भी है और कॉमेडी भी है, जो नॉर्मली नहीं होता है। मतलब मिस्ट्री होती है तो बहुत सीरियस होती है या कॉमेडी तो पूरी कॉमेडी थी, लेकिन इसमें सब कुछ है। इसमें कमाल का रेट्रो म्यूज़िक है, कमाल की लाइंस हैं और डायलॉग्स हैं, तो और स्टोरी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। आपको ग्लैमरस रोल में देख पाएंगे या कोई अलग रोल के अंदर? वो आपको देखना पड़ेगा क्या आप उसको ग्लैमर मानते हैं कि नहीं मानते हो, क्योंकि यूथ आपका फैन है और आज जब आपको इस प्रमोशन के अंदर देखेगा तो कुछ ना कुछ सवाल उनके मन में रहेंगे और टीजर तो नेचुरल यूट्यूब पर वो देख ही रहे हैं। अगर मैं साड़ी में ग्लैमरस लगती हूँ तो फिर उनको मैं ग्लैमरस ही लगूंगी, आई डोंट नो क्या मतलब। मैं शूट पे था, मुझे नहीं पता। मुजफ्फर काफ़ी हिट चल रही है और मेरे ख्याल से ये जो अपहरण है इसको टक्कर देने के लिए जो वेब सीरीज़ है, मेरे को लगता है काफ़ी टक्कर दे पाएगी। देखिए, ये एक तो इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो ये आपको समझ में आता है कि आप एक चीज़ दूसरी चीज़ को टक्कर देने के लिए नहीं बनाते। दो फिल्में जो है वो एक साथ हिट हो सकती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिल्म अगर चली तो आप प्रे कर रहे होते हैं कि दूसरी ना चले। कंपैरिजन हो जाता है कि मुझे अच्छा है कि अच्छा है। कंपैरिजन होता है तो होने दीजिए, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो बनाया उसमें आपने बुरा काम नहीं किया। मतलब जॉनर चाहे मिलता जुलता हो चाहे जैसा भी हो, बट इस बात का इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी कि आपने जो काम किया है वो आपने अपनी तरफ से जितना आप उसमें मेहनत कर सकते थे वो आपने किया है। उसके बाद तो बाकी लोगों का टेस्ट अलग है। मतलब आप अरहर की दाल जो है वो एक तरह की चार लोगों को पसंद नहीं आती, चारों के अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो वो जॉनर के साथ भी ऐसा ही है कि आपको किस तरीके का कंटेंट देखने में मज़ा आता है, बट अपनी तरफ से हम लोग जो जितना कर सकते थे हमने करके डाल दिया मार्केट में। किस तरह का रॉ ऑफिसर टाइप में? अरे नहीं 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 नहीं, पुलिस वाला ही है जो कि रिटायर, मतलब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट उसने लिया है और अब जो है एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, और बाकी जो पूरा ताना बाना है वो अगर अभी बताऊंगा तो फिर तो मतलब 3 मिनट का ट्रेलर और 2 मिनट की मेरी बातचीत में सब खुल जाएगा, बट हाँ कुल मिलाकर पूरा प्लॉट है इंटरेस्टिंग। सर, एक्टिंग के साथ साथ डायलॉग भी थे तो कितना प्रेशर था इसके लिए? एक्चुअली उतना नहीं था, वो बीच बीच में हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं स्पेशली सिद्धार्थ सेन गुप्ता के साथ काम करने में, एक चीज़ ये है कि हम लोगों का काम घड़ी का मोहताज नहीं होता। आपने काम करना शुरू किया तो उसके बाद वो चलता रह सकता है, शूटिंग नहीं लेकिन बाकी सारी चीज़ें। क्या होता है क्या काम होता है? होता ना, मतलब काम ही होता है। कुछ पगेबाजी की मारी आ गई है, सीनियर एक्टर है, कुछ क्या रहता है? सीनियर कितने साल से काम कर रही हो तुम? मेरे को अभी नहीं, आप उसे डरते थे जब मैं सेट पे आती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने अभी मेरी देवडी को आए, 10 साल भी नहीं हुए अभी। वो तो वैसे हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आई डोंट नो, आप बताओ मैं क्या बोलूं अपने बारे में। हाँ, मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और मुझे ये इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे काफ़ी तगड़ी मिस्ट्री लगी। हाँ, और फिल्म से भी मैं कर रही हूँ तो उसके साथ साथ आई थिंक इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। देखिएगा जरूर, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा, 14 दिसंबर को अपहरण आ रहा है ऑल्ट बालाजी पर, तो प्लीज जरूर देखिएगा, मुझे आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगा। डिटो। डायलॉग एक्चुअली मैं इस मामले में मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने डायलॉग्स दूसरों के लिए ज्यादा बेहतर लिखे हैं, जो एक इनका ही तो वो था उसमें क्या प्रोमो में। कौन सा? आप अपने पति को नाम से बुलाती हैं? नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं है। मैंने जेन्युइनली जो है दूसरों के लिए, अब एक जो आपने इसमें देखा कि मतलब बच्चन बाबू को जो है पैसा कमाने के लिए किसी को अगवा करने की जरूरत नहीं है,
वो एक तो एड फिल्म करेंगे, उनका काम बन जाएगा। सर बेस्ट विशेस आपको इस वेब सीरीज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।